हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या लिख के रखा है, और काफ़ी लोग को पढ़ के बहुत कुछ मन में भी आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि आंसर की को लेके बहुत कंफ्यूजन बढ़ चुका है, ठीक है। और वो क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, वो हम वीडियो में देखेंगे। उसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो खासकर बनाया है कि आंसर की सही में आया है या नहीं आया है, ठीक है। आपका जो पोस्ट है ये ऑफिस असिस्टेंट का है। कहाँ पे पेपर हुआ था, एग्ज़ाम आपका हुआ था एम्स पटना के अंदर। आपका पेपर कब हुआ था, आपका पेपर हुआ था 27 अगस्त को, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे वीडियो में आगे। तो अगर ये किया है तो एम्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या किया है वो मैं आगे बात कर रहा हूँ। एक भाई का मानना है, ये देखो, पहले तो मैं आपको एक वो मैं दिखा देता हूँ जहाँ पे आपका आंसर की जब आता है तो कहाँ पे आपका दिखेगा, ठीक है। इस जगह पे आपका एक जैसे 17-19 तारीख वाले पेपर में खुला था, वैसे ही यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। और यही पोस्ट है आपका, इसके लिए हमने अप्लाई किया, इसी के अंदर आपका था ऑफिस असिस्टेंट, तो यहाँ पे आना चाहिए इस जगह पे, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। और ये उसके नीचे काफ़ी सारे जो अदर फॉर्म्स हैं वो सब सारे हैं, वो उसके नीचे आएगा, बट वो नहीं है। बट हमारा कन्फ्यूजन क्या आता है ना कि एक बंदे ने कमेंट किया कि उन्होंने आंसर की देखा है, ठीक है। बट हमने मैंने तो नहीं देखा ऐसे रेगुलरली, मैं भी चेक कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं दिख पाया कि आंसर की आया था या नहीं आया था। बट इनका मानना है कि आंसर की आ चुका है। जैसे कि इस कमेंट में भी ये स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किए हैं अपने चैनल से, सर कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हैं आंसर की में, उनको कैसे करें ऑब्जेक्शन। तो इस पढ़ के आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि इन्होंने आंसर की देखा है, बट देखा है कि नहीं देखा है वही मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जिन जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें जितने कैंडिडेट्स हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको दिखा है या नहीं दिखा है आंसर की, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो बस सिंगल 1 पर्सन का कमेंट्स आया है, वो भी बहुत सारे हैं, मैं नीचे दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने भी देखा है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें कंप्लेन रेज करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो एक बार कन्फर्म होना चाह रहा हूँ मैं कि सही में आया है या नहीं आया है। तो आगे हम देखते हैं इनके कमेंट्स और भी हैं। ये देखो, यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है, एम्स पटना ऑफिस असिस्टेंट एनएस कैंडिडेट रिस्पॉन्स इज अवेलेबल नाउ, गो एंड चेक योर मार्क्स एवरीवन। तो अब ये आई थिंक कोई ऐसा मजाक तो नहीं करेगा या झूठ क्यों बोलेगा, इन्होंने देखा ही होगा तब शायद इन्होंने ऐसा लिखा है। क्योंकि साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट भी ये मेंशन कर रहे हैं, कैंडिडेट रिस्पॉन्स के बारे में बोल रहे हैं, और अवेलेबल है भी बोल रहे हैं, और सबको चेक करने के लिए भी बोल रहे हैं। तो अब यही है कि कन्फ्यूजन बढ़ा हुआ है कि आया कि नहीं। उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आया नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिख रहा है, आया भी है क्या, नहीं दिया है। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बना दी कि जिनको जिनको अगर दिखा है वो एक बार यस और नो करके कमेंट कर देंगे, तब मैं मेजोरिटी को देखूंगा कि सही में आया है या नहीं आया है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने अपना मार्क्स भी बताया है, आई एम गेटिंग ओनली 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और इनका है, ये देखो, ये तो वही वाला है। फिर मैंने इस पर पूछा भी था इनसे, कैन यू शेयर द लिंक टू, अगर आपने देखा है तो क्या, क्योंकि जस्ट मैंने चेक किया था बट मुझे वैसा कुछ नहीं दिखा। तो मैंने कहा भी था, कैन यू शेयर द लिंक टू इफ़ इट इज़ अवेलेबल। फिर उन्होंने कहा, मुझसे ही पूछा था डिड यू गेट इट, तो मैंने कहा था नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप नीचे देख लो, यहाँ पे जैसे एक लड़के ने उस कमेंट पे पूछा था कितने नंबर आने के चांस है आपका, तो उस पर भी इन्होंने लिखा, स्कोर चेक कर ले भाई, तू अपना कैंडिडेट रिस्पॉन्स की आ गया है, ठीक है। तो इनके कमेंट से तो काफ़ी लग रहा है कि इन्होंने देखा है, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने भी चेक किया था बट मुझे नहीं दिखा था, मे बी नेटवर्क इशू के कारण होगा कुछ में भी ऐसा। तो यहाँ पे देखो, सर आंसर की कब तक आएगा, ये तो इन्होंने पूछा था कल शाम तक, ये एक भाई ने बताया कि कल शाम तक आ सकता है। उसके बाद इन्होंने फिर कहा कि स्कोर कैंडिडेट आ गया है, इसने पूछा कहाँ देखा है। फिर आपका यहाँ देखो, लॉगिन करके जहाँ से तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हो वहीं से, ठीक है, ऐसे शो तो वहीं से होता है, बट अब तो एडमिट कार्ड का ऑप्शन भी वहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, तो वो भी नहीं दिख पा रहा है, वो भी आप कैसे खोल सकते हो। तो यहाँ भी इन्होंने लिखा नहीं है, किस पोस्ट का देखा है, मैं भी उनको लगा होगा किसी और पोस्ट का देख रहा होगा, तो उन्होंने पोस्ट भी बताया था कहाँ देखा है, इसने इन्होंने पूछा कहाँ देखा है, इन्होंने लॉगिन करके जहाँ से तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हो वहीं से, नहीं है।
किस बोर्ड का देखा है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा ऑफिस असिस्टेंट एनएस का दिखाया था मेरा, अब मेरा भी नहीं शो कर रहा है, आफ्टरनून में दिखाया था। अब इनका कहने का मतलब ये है कि दोपहर में इनको नज़र आया था और अब इनका भी शो नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तब ये बहुत बड़ी गलती की है एम्स ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो उन्होंने टेक्निकल इशू के कारण पहले लॉन्च कर दिया होगा और फिर से उन्होंने कुछ खामी के कारण हटाया होगा, फिर से वो लाएंगे। तो हम कुछ दिन, एक से दो दिन हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा। आप लोग तो पहले कमेंट करके बताओगे कि आप लोग बस इनको ही दिखा है या आप लोग और भी ऐसे कोई कैंडिडेट्स हो जिन्होंने पेपर दिया है उनको भी आंसर की नज़र आया है, ठीक है। तो अगर आपको आया है तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में यस लिखोगे कि हाँ मैंने भी देखा है, और नहीं आया है तो आप नो लिखोगे, क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ मैंने भी क्लियरली नहीं देखा है। मैं भी रेगुलरली चेक करता हूँ बट मुझे अभी तक नहीं दिखा है, ठीक है। बट ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं तो क्या पता मे बी दिखा हो, और अगर ये कह रहे हैं कि इनका दिखा था फिर हट गया है, तो अगर ये चीज़ हुई है तो ये तो फिर गलत हुआ है। या तो दोबारा आना चाहिए, और अगर नहीं आया तब तो ये हमारे साथ मतलब सब लोग के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि वो लोग आंसर की अगर देने वाले हैं और ना देंगे तो फिर तो ये सही बात नहीं है। फिर इसने, एक बंदे ने पूछा कितना नंबर आया था, फिर एक और ने पूछा कितना आया, तो ये तो वही चीज़ें हैं फिर से। ठीक है, यही यही सारे ऑब्जेक्शन थे कि भाई इन्होंने जब ऐसा देखा है तभी तो इन्होंने ऐसा बोला कि सर कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत है आंसर की में। अब इतने कॉन्फिडेंस से कोई, अगर आप, मैं भी इनसे भी कहना चाहूँगा अगर आप मजाक कर रहे हो तो प्लीज़ ना करें, इसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो प्रॉब्लम मतलब परेशानी झेलनी पड़ रही है, और ख़ास करके मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आंसर की आपको दिखे, किसी एक को दिखा है किसी को नहीं दिखा है, कि आपको दिख रहा है कहाँ से देखेंगे कैसे देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो अगर आप मजाक कर रहे हो तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट कि आप बता दो कमेंट करके कि हाँ भाई मैंने नहीं देखा था, मैंने बस मजाक किया है। और अगर आप नहीं कर रहे हो मजाक तो मे बी आपके अलावा कोई तो ऐसा होगा जिसको और भी दिखा होगा, तो वो बंदा भी अगर वीडियो देख रहा है तो आप बता दोगे कि आपने भी देखा है या नहीं देखा है। अगर ये चीज़ हुआ है सही में तो फिर हम किसी भी तरह से कंप्लेन रेज करेंगे, या ईमेल करेंगे, या कॉल करेंगे, या हेल्प डेस्क पे इशू रेज करेंगे, कुछ भी करेंगे बट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप मजाक कर रहे हो सीरियसली, तो प्लीज़ आप बता दो कि भाई हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आंसर का वेट कर रहे हैं, वो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और उनके और उस वजह से फिर मैं भी परेशान हो रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारा मैसेजेस आ रहे हैं इसको देखे कि आंसर की आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ शो हो रहा है, कैसे देखेंगे, कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि एक बंदे ने कमेंट कर दिया है तो काफ़ी लोग जाते हैं ना चेक करने कि भाई कैसे कैसे कैसे। और मैंने तो ऑलरेडी कह रखा था कि जब भी आएगा मैं अपडेट दे दूँगा, तो मुझे तो फ़िलहाल ऐसा नहीं दिखा है। बट फिर से मैं वही पे कह रहा हूँ कि अगर जो भी वीडियोज़ ये देख रहे हैं उन्होंने अगर देखा है, आपने देखा है फॉर्म, वो लिंक जहाँ से ऑब्जेक्शन रेज होगा, अगर आपने देखा है तो आप कमेंट पे यस लिखना, अदरवाइज नो लिखना, इग्नोर मत करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसी कारण से मैंने ये वीडियो बना दिया। तो अब देखते हैं क्या सच्चाई है क्या, मतलब अगर आना होगा तो फिर इस तरीके से, अगर दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर आया होगा तो कुछ टेक्निकली इशू के कारण फिर से उसको हटाया गया होगा और फिर से आएगा, और या तो फिर हो सकता है कि आया ही ना हो, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न काफ़ी बढ़ा हुआ कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक है। जैसा भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना।